दुनिया की जो सबसे बड़ी 5-7 समस्याएं हैं बीमारियों में, सबसे बड़ी समस्या पूरी दुनिया की है मोटापा। आधी आबादी दुनिया की मोटी है, जैसे कहते हैं ना, जब महिलाओं के बारे में बात होती है तो कहते हैं ये आधी आबादी है। तो आधी से ज्यादा आबादी दुनिया में मोटी हो गई है। उसके लिए, मोटापा के लिए योगाभ्यास में दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर ऐसे लेकर के आते हैं और दोनों हाथ सिर पर रख लेते हैं, पैरों में फासला, तिर्यक ताड़ासन। ये मोटापा के लिए पहला अभ्यास। कोई भी अभ्यास दाएं ओर से प्रारंभ करते हैं, आपका दाया आपको पता है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। राइट साइड से ऐसे जोड़ते हैं। तो मोटापा के लिए मुख्य 20 अभ्यास बताते हैं, जिससे कि कहीं से भी शरीर मोटा ना हो। अब ये सबकी समस्या नहीं है, लेकिन मैंने कहा आधी आबादी की तो समस्या है ही, और आधी की संभावित है। जो योग नहीं करेंगे उनके 99% मोटा होने की संभावना है, अपवाद तो कहीं पर भी मिल ही जाते हैं। पहले ऐसे धीरे धीरे और बाद में इसको तीव्रता पूर्वक किया जा सकता है। तो ये एक अभ्यास हुआ मोटापा के लिए। तिर्यक ताड़ासन, दूसरा अभ्यास है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन दो तरह से किया जाता है, एक यह मोटापा के लिए हम करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी करते हैं। अभी मोटापा के लिए आपको करना है। पहले ऐसे धीरे धीरे किया, बाद में इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो मोटापा कहां कहां बढ़ता है? पूरे शरीर में बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमर पर बढ़ता है, कुल्लों पर बढ़ता है, जंघाओं पर बढ़ता है। तो फिर भुजाएं भी भारी होती हैं और गर्दन से लेकर के फिर तो पूरा शरीर ही, कुछ तो जहां भी गुंजाइश मिलती है उधर ही बढ़ जाते हैं, बहुत खराब लगता है फिर उसे। तो ऐसे ये अभ्यास पहले तो ऐसे धीरे धीरे किया, बाद में ऐसे तीव्रता पूर्वक करवा दे। और एक अभ्यास का कार्य काल, उसका कालखंड, टाइमिंग मैंने कितना बताया है, 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट। एक अभ्यास का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट, यदि काउंटिंग में तेजी से करते हैं तो 50 से 100 बार। अब जिनकी कमर बहुत मोटी मोटी हो गई, अब कमर इतनी सी होनी चाहिए कि पीछे अंगूठा लगाएं तो सामने से पेट अंगुलियों में पकड़ में आ जाना चाहिए, इतना इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेट। लेकिन मैंने देखा किसी का तो इतना इतना मोटा होता है। अब 56 इंच का सीना कितने लोगों का हमको नहीं पता, लेकिन 56 इंच का पेट हमने बहुत लोगों का देखा है। खैर, अरे साहब कुछ तो इतने मोटे होते हैं, दरवाजे में सीधे नहीं घुस सकते भाई साहब, ऐसे दरवाजे में भी ऐसे जाते हैं। तो बहुत ऐसे इतना ऐसे फैल जाते हैं कुछ तो ऐसे। तो ये उस फैलाव को सिकोड़ने में मदद करना है। 50 बार 100 बार कर लिया, पूरी कमर एकदम। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में, त्रिकोणासन के बाद अब कोणासन। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ सामने की ओर, ऐसे पहले धीरे धीरे। कोई भी अभ्यास पहले धीरे किया जाता है, फिर तेजी से 25-50 बार से लेकर के 100 बार करेगा, फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। कोई जाड़ा जाड़ी बोलते हैं गुजरात में, और साउथ में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी, कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा, कोई मोटा मोटी खोटा खोटी नहीं रहेगा। दोनों पैर पास में, अगला अभ्यास पाद हस्तासन। तो ये खड़े होकर के 4 अभ्यास विशेष हैं मोटापा के लिए, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस संदर्भ में हमेशा एक बात मैं कहा करता हूं, आगे झुकते हैं
तो माथा घुटनों से लगा देते हैं, प्रयत्न करते हैं कि दोनों हाथ पैर के पंजों के पास आ जाए। जो मोटे हैं वो इतने ना झुक पाएंगे, उनके तो हाथ भी जमीन पर ना टिक पाएंगे, वो तो ऐसे ही बीच में अटक जाएंगे। लेकिन जितना हो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ऐसे पहले धीरे धीरे फिर तेजी से, देखो योग की सबसे बड़ी खासियत है रिलैक्स बैठ जाइए, कि इसको हर उम्र का व्यक्ति, मेल फीमेल, रोगी निरोगी, गरीब अमीर, सब कर सकते हैं। बच्चे योग करेंगे बलवान बनेंगे, प्रज्ञावान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, महान बनेंगे। जो स्वस्थ व्यक्ति योग करेंगे और ज्यादा बलवान बनेंगे, सदा निरोगी रहेंगे। योग रोगी करेंगे निरोगी हो जाएंगे, उपयोगी हो जाएंगे, सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, उनकी दिव्यता बढ़ती जाएगी। बड़े जबरदस्त लाभ है। खैर अब चक्की आसन बैठ करके मोटापा के लिए, ये मोटापा का पूरा पैकेज बता रहा है। मैं कह रहा था कुछ भी जीवन में आना उसका एक मंत्र है, एक वाक्य कहा जाता है। समाज में जो कहावतें होती है ना, उसमें 99% के पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है, तथ्य होता है, युक्ति होती है, प्रमाण होता है, अनुभव होता है। कि भाई आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो आदमी ठान ले चाहे कितना ही मोटा हो, 1.5-2 क्विंटल का हो, कि मुझे पतला होना है, तो फिर वो मोटा नहीं रह सकता। मैंने लोगों को मोटापे को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अर्थराइटिस को, हेपेटाइटिस को तो पराजित करते देखा ही है। मैंने लोगों को कैंसर को और मौत को भी मात करते हुए देखा है। यह है हमारी संकल्प शक्ति का प्रमाण। ये संकल्प शक्ति का प्रमाण है। और इसलिए मैं बोलता हूं विकल्प रही तो, इसका मतलब ये होता है कि एक बार जो संकल्प कर लिया वो संकल्प फिर टूटे नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और उसको पूरा करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए घनघोर तप कहो या पुरुषार्थ को वो करना, दोनों हाथ पार्श्व भागों में, चक्की आसन के बाद में ये स्थित कोण आसन क्रॉस कर ऐसे और ऐसे। पहले तो धीरे होगा, अब जो हमारी तरह से थोड़े मध्यम वर्ग के है ना, हम मीडियम में है ना, मोटे हैं ना पतले हैं, जो भारी भरकम होंगे उनको ऐसे एक एक अभ्यास करने में बड़ा जोर पड़ता है। ऐसे ऐसे जोर लगा लगा के करना पड़ता है उनको। अब ये जो पतले पतले उनको तो पता ही नहीं लगता ये हो क्या रहा है। लेकिन जो मोटे महापुरुष हैं, वैसे भी महान है वो, उनको बड़ा जोर पड़ता है इसमें। और हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर फिर उनका। और दूसरी बात मैं हमेशा कहा करता हूं, सुनना जरा, कि कभी भी अपनी बीमारी से, बुराइयों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से समझौता नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ना, मैंने देखा, बोले जी अब तो हम पतले नहीं हो सकते, अब तो हम नहीं सुधर सकते। अब बताओ जो कोई ऐसा मान ले तो उसमें तो फिर गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि स्वीकारने से आधा सुधार हो जाता है। कि मुझे अच्छा होना है, मुझे निरोगी बनना है, योगी बनना है, उपयोगी बनना है, सात्विक बनना है, श्रेष्ठ बनना है, ऐसा कोई स्वीकार तो करे। आधी बीमारी तो तभी हमारी ठीक हो जाती है जब हम सर्वात्मना ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे रोगी होकर के नहीं जीना, मुझे योगी होकर के, उपयोगी होकर के जीना है। चलो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, ये पश्चिमोत्तान आसन कहलाता है।
खड़े होकर के जब माथा लगाते हैं घुटनों से तो उसको पाद हस्तासन कहते हैं, इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ऐसे आगे झुके माथा घुटनों से लगाया, पहले धीरे धीरे किया, बाद में इसको तेजी से कर देते हैं और सब दिशाओं से प्रयत्न करना चाहिए। सफलता का सूत्र है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से सभी दिशाओं से पुरुषार्थ हो तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति की मूलभूत मांग है ये, हर व्यक्ति की बेसिक डिजायर है, एम्बिशन है कि वो रिलैक्स। अब उल्टे लेट जाओ, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट के, ऐसे क्रम है ये, इसी क्रम से करना। मोटापा के लिए, अब पेट मोटा हो गया है तो, और पेट में भी जो पहले तो नाभि के ऊपर किसी किसी का बहुत भारी होता है, एकदम बहुत खराब लगता है जब आगे से आदमी का 20-30 किलो पेट बढ़ा हुआ हो तो दूसरे को देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा तो नहीं लगता लेकिन लोग मन का ना कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता। इसलिए एक बात अक्सर कही जाती है, भाई देखो व्यक्ति को बुरी बातों के साथ समझौते करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातों में तो समझौता करना चाहिए, अच्छी बातों में तो, वो तो समझदारी का काम है। घर में कंप्रोमाइज करने चाहिए, पति पत्नी को, गुरु शिष्य को। जो हमारी वैयक्तिक जिंदगी है उसमें तो देखो तीन तरह के समझौते होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। सात्विक समझौते को संस्कृत में कहा जाता, उठाओ सामने से, परस्पर सद्भाव, सहयोग, परस्परम भावयन्ता श्रेयः परम अवाप्स्यतः। ऐसे धीरे धीरे ये छाती और छाती के नीचे नाभि तक जो वजन बढ़ा हुआ है ना, उसको कम करने के लिए पहले धीरे, बाद में इसको ऐसे 25-50 बार करा देते हैं। लेकिन बुरी बातों से समझौता नहीं करना, बुराइयों से समझौता नहीं करना, बीड़ी, सिगरेट, शराब से, बीमारियों से, लाचारियों से, अपने भीतर की दुर्बलताओं से, उनसे समझौता नहीं, अशुभ से नहीं समझौता नहीं, अज्ञान से, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुराचार से, दुराचरण से समझौता नहीं करना, बुरे आचरण से। अब देखो दो अभ्यास हुए ना, एक तो ऐसे उठा लें, कुछ तो ऐसे उठा पाएंगे और कुछ ऐसे उठा पाएंगे, जिसको जिसमें अनुकूलता हो। ये एक के ही दो अभ्यास हैं, भुजंगासन ऐसे भी करते हैं, ये पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही ये मोटापे के लिए बहुत अच्छा है, 10-20-25-50 बार, तो एक और ये दो अभ्यास। फिर ऐसे ही शलभासन, जब मोटे हों तो एक एक ही पैर को उठा पाएंगे, तो ये नाभि के नीचे वाला वजन, किसी किसी का पेट इतना लटकता है कि उसके लिए फिर उनको बेल्ट आदि बांधनी पड़ती है, नहीं तो मैंने देखा 5-5, 10-10 किलो तो नाभि के नीचे लटकता रहता है, बहुत खराब लगता है, उसके लिए ये अभ्यास है। अब पहले एक एक ही पैर से कर पाएंगे, जिनका मध्यम, देखो मोटापा में भी तीन है, एक सामान्य मोटे, एक मध्यम मोटे, एक अत्यधिक मोटे, और एक तो अपवाद रूप में मोटे होते हैं जिनका वजन 200-250 किलो से लेकर के 500 किलो तक बढ़ जाता है, फिर उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। अब सीधे लेट जाओ, मोटापा घटाने की जो दूसरे उपाय हैं, चाहे वो लाइपोसेक्शन से फैट को खींचते हैं, चाहे पेट को काट करके कम कर देते हैं, खाना कम खाते हैं तो सर्जरी करते हैं, फिर कुछ लोग बहुत अधिक उपवास करके मोटापा कम करते हैं,
अब एक एक या दोनों पैरों को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना, जिससे जितना बन पाए। देखो मैंने कहा सामान्य मोटापा है तो दोनों पैरों से अभ्यास कर सकेंगे, और मध्यम मोटापा है और आयु कम है तो भी दोनों पैरों से कर लेते हैं, लेकिन अधिक मोटापा है, आयु अधिक है तो फिर एक एक पैर से ही हो पाते हैं। मोटापा कम करने के लिए भुजंगासन और शलभासन के बाद में ये अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो ये मूल अभ्यास, चार अभ्यास खड़े होकर के, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, सात, और उल्टे लेट करके दो, नौ अभ्यास, और सीधे लेट करके फिर तीन अभ्यास, अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, पैर को बड़ा गोलाई में घुमाइए, बड़ा शून्य बनाइए। तो ये हो गए 12 अभ्यास, और 13-14 अभ्यास में हमने मरकटासन और फिर अंततः शवासन को सम्मिलित किया, क्योंकि सब अभ्यास करने के बाद में, सब आसनों के बाद शवासन अनिवार्य है। तो मूल अभ्यास 14 हो गए, फिर प्राणायाम के 6 अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जायी, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत, तो ये 20 अभ्यास हो जाते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पैर से बड़ा शून्य बनाना, थाई बटक सीप से हल्के हो जाते हैं, नितंब जंघाएं, ये भी बड़ी भारी रहती है, दाएं और बाएं पैर से ऐसे। कुल्ले को संस्कृत में और परिष्कृत हिंदी में नितंभ कहा जाता है, तो नितंभ पर बहुत वजन बढ़ा हुआ होता है, जंघाओं पर बहुत वजन बढ़ा हुआ होता है, थाइज पर और बटक्स पर, उसको कम करने के लिए ऐसे 5-5, 10-10 बार एक एक पैर से, अथवा सामान्य मोटापा है तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे जवान आदमी है, जवान भाई बहनों को मोटापा बढ़ जाता है तो वो ऐसे दोनों पैरों से कर सकते हैं ना एक एक अभ्यास को। और कितनी बार करना है, मैंने कहा संख्या की दृष्टि से 25-50 बार से लेकर के 100 बार। देखो एक जुनून शब्द प्रयोग होता है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, पूरा अनकंडीशनल सरेंडर, एस्पिरेशन एंड हार्ड वर्क, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये 12वां अभ्यास द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से ऐसे। देखो जो भी करे, मैंने कहा था कुशलता पूर्वक करे, जो भी करे कैसे करे बोलो, कुशलता, स्किलफुल होना चाहिए हमारा हर एक कार्य। योग करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, हठ योग, हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म, ईच एंड एवरी एक्शन, वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, एक्सीलेंस के साथ होना चाहिए। जैसे कहते हैं बहुत अच्छा कर रहा हो, कोई बोले एक्सीलेंट, ऐसे योग हमारा ऐसे होना चाहिए, एक एक पैर से करें अथवा दोनों पैरों से करें, जो करें कुशलता पूर्वक करें, विधि पूर्वक करें, विधि समय संकल्प सिद्धि, विधि समय एकाग्रता और निरंतरता। अब ये मूल 12 अभ्यास आसनों के, प्राणायाम में भी यद्यपि एक एक प्राणायाम की बड़ी महिमा है, लेकिन उनमें भी समग्रता पूर्वक जब अभ्यास होते हैं तो उनका पूरा फल मिलता है। इसलिए मैं जीवन के हर क्षेत्र में समग्रता की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बोलो, जोर से बोलो, इस शब्द की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।
अभी मरकटासन होगा, फिर सवासन करेंगे। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मोड़ लीजिए। ये पहला अभ्यास, ये नितंब के वजन को भी कम करता है और इतने अभ्यास करने के बाद में स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी होता है। हम योग भी समग्रता में करें, हम उपचार भी समग्रता में करें, खेती के प्रति समग्र दृष्टि, कृषि के प्रति समग्र दृष्टि, चिकित्सा के प्रति समग्र दृष्टि, राजनीति के प्रति समग्र दृष्टि, व्यवसाय के प्रति, आर्थिक विकास के प्रति समग्र दृष्टि, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विकास के प्रति समग्र दृष्टि, जीवन के हर क्षेत्र में समग्र दृष्टि। ये पहला अभ्यास है मरकटासन का। फिर ये दूसरा, घुटने पंजों में फासला, और तीसरे अभ्यास में पैर सीधे, दायां पैर बायां हाथ के पास में, बायां पैर दाहिने हाथ के पास में। ऐसे जो बहुत मोटे उनसे थोड़ा थोड़ा ही हो पाएगा, जिससे जितना हो पाए उतना कर ले, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, ये सबसे बड़ी बात है। ये मरकटासन एक तरफ, यहां हमारे कमर पर और खास करके नितंभों पर, बटक्स पर और थाइस पर जो बढ़ा हुआ वेट है उसको कम करने में मदद करता है, वहीं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी जरूरी होता है मरकटासन और भुजंगासन। अब रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ी देर, पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद, मन सहज। जैसे ही हम सवासन कहते हैं वैसे ही हम शरीर भाव से, इंद्रिय भाव से, अपने मनोभाव से ऊपर उठ करके आत्मभाव में, आत्म स्वभाव में, आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हमारे जीवन के दो ही मूल स्वरूप हैं, या तो हम स्वरूप में जीते हैं या तो हम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जो विचार उठते हैं, जो भाव उठते हैं, जो प्रवाह उठता है उसी में हम एकाकार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बहना, बहकना। हमें बहना और बहकना नहीं है। इसलिए हम बार बार कहते हैं जो बह गया, जो बहक गया वो भोगी, जो अपने स्वरूप में ठहर गया वो योगी। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में जीना, देह को, शरीर को शववत और स्वयं को शिववत, शिवोहम शिवोहम। तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि का ये जो दिव्य आध्यात्मिक उद्घोष है इसकी हम अनुभूति करें। और साक्षी भाव से माथे से लेकर के चेहरे से लेकर के गर्दन को, कंधों को, हाथों को, फेफड़े, हृदय, पेट, पीठ,
और पैरों को शिथिल छोड़ देते हैं अपने ही श्वासों पर केंद्रित हो जाते हैं। जो अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य, अनंत संवेदनाएं हैं, अनंत सामर्थ्य है, अनंत सुख शांति आनंद प्रसन्नता उत्साह निर्भयता है, उसको अनुभव करते हैं। ऐसे ही शवासन करते हैं, दोनों हाथों को उठाते आपस में रगड़ते हैं और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा पांजन आंखों पर करते हैं। और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। मोटापा के लिए ये मूल अभ्यास थे आसनों के।